हो गया, इतना सारा पानी लग गया है। छुपे थे ब्रेड लेकर, क्या छुपे थे? साथ ही साथ सब चीजें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और अभी भी बादल लगे हैं, जैसे लग रहा है बारिश होगा दबा के फिर से, क्योंकि रात से ही मेरी तरफ बारिश हो रही है। रुक गई, देखिए अभी तक छत गीला है। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, पूरा बारिश की वजह से चारों तरफ हरियाली हरियाली आ गई है, और बहुत ही गर्मी था लेकिन अभी ठंडा मौसम हो गया है। A few minutes later. अभी इधर बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, जस्ट हमने वीडियो स्टार्ट किया नीचे आया था तो बारिश फिर से दोबारा स्टार्ट हो गई है, और सारा सामान रखा जा रहा है इधर। पापा यहाँ पे पन्नी लगा रहा है क्योंकि खाना बनाते टाइम पानी आएगा। तो अभी हम फटाफट से पहले नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद से खाना बनाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। खाने में सिंपल सा कुछ बनाएंगे, सिंपल सा नहीं फिर भी बनाएंगे खाना। और इधर बारिश में ही बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए हैं, अनूप ने भी अभी जा रहा है, कल ही परसों से उसका स्कूल खुला, अभी बच्चे उतना ज़्यादा नहीं जा रहा है तो 4-5 दिन बाद ही जाएगा। डाली जा रही है ब्रेड लेने, जल्दी साना। इतना सारा पानी लग गया है, बाहर हो रही है बारिश, और इधर रख दिए दाल चावल बनाने के लिए, क्योंकि बारिश में जल्दी से खाना बन जाएगा, ठीक रहेगा। मेरा घर जो है खुले में है तो बारिश आ सकती है। और अनूप गया ब्रेड लेने, वो बोला कि आज अंडा ब्रेड बना दूँ नाश्ते में, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, तो आज वही नाश्ता बनाने वाले थे। गया अनूप ब्रेड लेने, तो अभी बारिश में घिरा गया होगा तो अभी आ रहा होगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अब तो इधर अनु ब्रेड लेके आ गए, आ गए जी। हाँ। दो, अब बारिश जब गए तभी स्टार्ट हो गया, इतना सारा पानी लग गया है। छुपे थे ब्रेड लेके, कहाँ छुपे थे? बगलिया। अच्छा, और इधर पापा काट रहे हैं सब्जी, सब्जी में बनने वाला है ये, और हो रहा आलू का सब्जी, सूखी सब्जी बन रहा है पापा, और दाल चावल बन गया है, बस सब्जी बनने की देरी है, तो पापा अभी सब्जी काट लेंगे फिर सब्जी बनेगा। तो इधर पापा सब्जी बना रहे हैं, काट रहे हैं, और डॉली इधर चाय बना रही है। क्या कर रही जी, चाय बना रही हो ना? यार तुम क्या कर रही हो जी? यार अंडा मंगाए थे कल, तो चलते इसी में से बनाते हैं। तो चलते हैं अभी बनाते हैं नाश्ता। और इधर बारिश तो अभी बहुत तेज आ रही है, तो इधर हम जा रहे हैं नाश्ता बनाने। तो इधर चाय बना रही है डोली, इधर तवा रख दिया गरम हो रहा है, इधर हम ब्रेड ले लिए हैं, डबल डबल ब्रेड है, और बारिश मनु बहुत मेहनत से गया अभी किराया। इधर प्याज मिर्ची काट लिए हैं बारीक बारीक, दिखाओ जी, प्याज मिर्ची कट करके रेडी है, अंडा भी रेडी है। तो अभी हम आप लोगों को फटाफट नाश्ता बनाएंगे और दिखाएंगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे प्याज और मिर्ची, कुछ मसाले डालेंगे जैसे धनिया, मिर्ची पाउडर, तो अभी हम इसमें डाल देंगे मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक, अच्छे से डाल के इसको फेंट लेंगे, उसके बाद से हम घोल बनाने। अंडे का घोल रेडी है, तवा तेल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे अभी ब्रेड। इधर अंडा ब्रेड बनके रेडी है, और देखो अनु कितना मस्त लग रहा है, चाय भी रेडी है,
फटाफट लगाएंगे सबके लिए नाश्ता। आज का नाश्ता मजा आएगा बारिश में। सर डबल डबल ब्रेड अंडा बना के रेडी कर लिए हैं, फटाफट निकालते हैं नाश्ता। तो नाश्ता बन गया है, अभी नाश्ता निकालेंगे तब तक खुश होते कि सब्जी छौका लगा लेते हैं, सब्जी साथ साथ बनते चलेगा। दाल चावल बना के रेडी कर लिए हैं और बारिश मौसम पूरा बिगड़ा हुआ है, इसको हटा दिया जाएगा नहीं, अभी बारिश आने लगेगा, पानी पानी आने लगेगा। और इधर पापा सब्जी काटे हैं, कितना बारीक से काटे हैं देखो। हाँ तभी खाने में मजा आएगा दाल चावल से। मर्द के हाथों से बहुत बढ़िया सब्जी लगता है खाना। तुम्हारा सब मर्द के हाथों का अच्छा लगता है। अच्छा इतना इतना बारीक तुम काट लोगी, इतना बारीक तुम नहीं काट नहीं काट पाएंगी। तो काय कर रही हो, काट लेंगे काट लेंगे। और साथ ही साथ सब चीज़ एक ही साथ भुनोगी क्या जी? इसी साथ प्याज भी भून जाएगा ना, और परवल भी भून जाएगा। भुजवा बन रहा है। हाँ इसी सब्जी बन रही है और वाकई बहुत बारीक कटा है सब्जी। सब लोग बैठ गए नाश्ता करने, नाश्ते में आप लोगों ने देख लिया क्या बना है। इधर अनूप खा के बताएगा कैसा लग रहा है, खाओ जी। और उसमें डबल ब्रेड है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि एक ही है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बस लग रहा है बहुत। तो दोस्तों ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, हम भी चलते हैं नाश्ता करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। A few minutes later. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है, इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बारिश मेरे वहाँ लगातार हो रही है। नेचुरल लाइट में हम कैमरे मुझे अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है बारिश पर, हम नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हैं, लाइट मेरे वहाँ नहीं है। तो जैसे कि आप लोग से कुछ बात करना था हमें, तो हमने सोचा कि चलो बात कर लेते हैं। खाना हमने बना लिया है, नाश्ता कर लिया, बस खाना बाकी है, तो हम सोचे कि आप लोग से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं दो ब्लॉग्स डाली थी अपने शादी के बारे में, तीन ब्लॉग डाली थी, दो ब्लॉग से जो लगा आए थे उनके बारे में। तो जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देख के लिया है, जो दो गेस्ट मेरे वहाँ आए थे उन लोगों के बारे में बता चुकी हूँ। उसके बाद से मैंने अपनी शादी से रिलेटेड सारे सवाल का जवाब दिया था, वो भी आप लोगों ने देख के लिया है। तो मुझे भर भर के कमेंट आया था दोस्तों, मैंने सबका जवाब भी दे दिया है। तो मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो दोस्तों मुझे आप लोगों से कुछ बात करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग से अच्छा रहा मुझे कोई नहीं दे सकता, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। आप लोग बहुत बड़े दुविधा में हम फंस चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। एक तरफ आप लोग हैं, एक तरफ मेरी फैमिली है। आप लोग को भी सारा कमेंट हमने देखा, कई लोग कह रहे दीदी आज तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं अभी अपने फैमिली के लिए भी कुछ नहीं कर पाई, अभी मेरा सब कुछ आधा अधूरा चल रहा है, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, घर की भी वही स्थिति है। और आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट किए, दीदी अभी आप शादी मत कीजिएगा, आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा ब्लॉग, बहुत कुछ है जो मेरे दिमाग में चल रहा है और ये सब तो है। तो मैंने क्या बोला था आप लोग से कि मेरी अगली बात होगी। तो अभी उनके घर पे उनके पापा का फ़ोन आया था, पापा से मेरे बात हुआ, तो वो लोग बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं नहीं हमको इधर ही शादी कीजिए अक्टूबर नवंबर में। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, इतना कम टाइम में मैं कैसे क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अक्टूबर नवंबर में वो लोग बोल रहे हैं, मेरे वहाँ होली बाद बोल रहे हैं, अगर होली तक होता मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता, मैं अपनी फैमिली की भी मदद कर पाती, अनूप को भी किसी मुकाम पे पहुँचा देती, मेरे पास भी टाइम मिल जाता, मैं खुद का कुछ कर पाती, सब कुछ में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन मेरे घर वाले अड़े हैं कि होली बाद ही हम करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट दीजिए कि मैं क्या करूँ। आप लोग जैसा मुझे बताएंगे मैं वैसा ही करूँगी दोस्तों, आप लोग से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं होली बाद करूँ या अक्टूबर नवंबर में करूँ, जो आप लोग कहेंगे मैं वही करूँगी। तो इधर खाना निकल गया है, सबके प्लेट में लग गया है और सब लोग बैठ गए हैं खाना खाने। खाने में क्या बना आप लोगों ने देख ही लिया है, और इधर बारिश बहुत तेज हो रही है और इधर बारिश में सब लोग खाना खा रहे हैं, दाल चावल सब्जी। अनूप का दाल चावल और चोखा बारिश में बहुत फेवरेट है, लेकिन चोखा नहीं बनाया है, सब्जी बनाया है। पापा के हाथों का सब्जी मैंने बनाया है, खाली काटे हैं। क्या हो गया, स्वाद आ गया भाजी?
पापा बोल रहे हैं भाजी है, भाजी सब्जी में भाजी। और आप लोग पहले बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे कि आप लोग रोटी नहीं खाते हैं, तब हम लोग शाम में रोटी खाते थे, रात में सुबह में चावल खाते थे। हमने बोला भी था कि मेरे वहाँ जब पापा आ जाते तो रोटी दोनों टाइम बनता है, और आप लोग देख ही सकते हैं कि अब रोटी दोनों टाइम बन रहा है क्यों जी। और अनूप स्कूल जाता है तब वो बनता है। कैसा हुआ खाना, बोल ही नहीं रहे हो तुम। बहुत बढ़िया हुआ। अम्मी कैसा लग रहा खाना। डॉली और पापा कैसा खाना हुआ है, इससे बढ़िया क्या चाहिए। घर का खाना घर का खाना होता है, उनका गला थोड़ा बैठ गया है दोस्तों, तो इग्नोर कीजिएगा। और आज तो हम लोग के खाने में वैरायटी वैरायटी हो गया, इधर अचार उचार सब है, दाल चावल सब है, सब खाओ जी मिला के। गांव के खाने का स्वाद ही अलग है। कैसे लग रहा है, और डॉली तुम तो बोल ही नहीं रहे हो, मस्त है। तो लोग खाना खा रहे हैं, चलते खाना खाते मिलते हैं नए ब्लॉग में, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।